हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट ग्रीस। आज हम बात करेंगे 16 फीट बाई 48 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने 3 रूम के साथ प्लान किया हुआ है। और फ्रेंड्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, हमें उत्तराखंड से आई हुई थी, तो गणेश जी की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने इसको प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरफ हमारा रोड रहेगा, ये जो प्लॉट है हमारा वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, यहाँ से हमने एंट्री दी हुई है। ये जो एंट्री हमारी 4 फीट 6 इंच चौड़ी एंट्री रहेगी, जो कि मेन गेट रहेगा, और दूसरी एंट्री हमने रोड से ही सीधा ड्राइंग रूम में दी हुई है। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये हमारा पैसेज रहेगा, जो कि 4 फीट 6 इंच चौड़ा पैसेज रहेगा, 4.5 फीट का, और ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। ड्राइंग रूम का साइज 9 फीट 7 इंच बाई 10 फीट है, जिसमें ये हमारा सोफा सेट रहेगा, और यहाँ ये हमारा 1 फिट का बेडरूम लग जाएगा। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लॉबी एरिया रहेगा, जिसमें ये हमारा ओटीएस रहेगा वेंटिलेशन के लिए। लॉबी का साइज 7 फिट 1.5 इंच बाई 6 फिट 6 फिट 10 इंच रहेगा। इस कॉर्नर में हमारा फ्रिज रखा हुआ है। ये हमारा किचन रहेगा, जो कि 7 फिट बाई 6 फिट का है, जिसमें एल शेप में हमारा प्लेटफॉर्म है। ये विंडो रहेगा किचन का, और ये जो एंट्री रहेगी, ये जो हमारा गेट है, ये टॉयलेट का गेट रहेगा। टॉयलेट का साइज 4 फिट 6 इंच बाई 7 फिट है, और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा स्टेयर केस रहेगा, जो कि यू टाइप स्टेयर केस है, 3 फिट चौड़ा हमारा स्टेयर केस रहेगा। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारा पैसेज 3 फिट 6 इंच चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ से एंट्री करते हैं, ये हमारा दूसरा रूम रहेगा 10 फिट 6 इंच बाई 9 फिट का, जिसमें ये हमारा बेड और ये हमारा टीवी यूनिट, यहाँ विंडो दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से आप एंट्री करते हैं, ये हमारा लास्ट बेडरूम रहेगा 14 फिट 10 इंच बाई 9 फिट का, जिसमें ये हमारा 2 फिट का बेडरूम है, ये हमारा बेड है और ये हमारा टीवी यूनिट है। यहाँ फ्रेंड्स, आप डबल डोर लगाएंगे, एक डोर हमारा जाली वाला रहेगा, जैसे बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, क्योंकि बेडरूम में कोई भी हमारा वेंटिलेशन नहीं है। और अपने डोर के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा वेंटिलेशन और देंगे, जिससे रूम का वेंटिलेशन रहे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।